पेटिशनर्स की बातें सुनी, डिटेल में मुद्दा सुना, एनटीए से बहुत सारे क्वेश्चंस किए, एक एक क्वेश्चन करके जानना चाह रहे थे वो डिटेल में क्या हुआ है। और देखा जाए तो भले ही सॉलिसिटर जनरल और एनटीए इस बात कह रहे थे कि पेपर लीक प्रूफ नहीं हुआ है, पर सीजेआई साहब ने बार बार ये बोला कि हम ये सारी चीजें दिखा रही है कि पेपर लीक तो हुआ है, अब इस बात को आप डिनाई मत करो, इट्स टाइम कि हम एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें। हम ये ना बोले कोई गलती ना हुई है, ऐसा बोलने से और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो हम एक्सेप्ट करें। डिनाइल मोड में ना रहे, ये आज उन्होंने बहुत क्लियर बोला कि आप सेल्फ डिनाइल में ना रहे, कम से कम आप एक्सेप्ट करें ऐसा हुआ है। पर अब उनको ये भी चिंता है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उसका एक्सटेंट क्या है, उसका फॉर्म क्या था, किस तरह से लीक हुआ है, कितने बच्चों तक पहुंचा था पेपर और उसकी टाइमिंग क्या है। इसके लिए उन्होंने देखा एनटीए से ये सवाल पूछा कि पेपर कौन बनाता है, पेपर छपने कहाँ जाता है, कब जाता है, कहाँ जाता है, उन्होंने कहा मत बताना वरना अगले साल भीड़ लग जाएगी, कब जाता है, वहां से वापस क्या दिल्ली आता है, फिर वहां से वो कैसे स्टेट स्टेट ट्रैवल करता है, कैसे बैंक में जाता है, कैसे सेंटर, यानी चेन ऑफ कस्टडी जो है पूरे पेपर की, वो जानना चाहते हैं ताकि उससे वो डिटरमाइन कर सके कि क्या वहां पे कहीं ब्रीच हुआ है, क्या कोई सिस्टमैटिक फेलियर है, जिसकी बातें काफी देर आज कोर्ट में हुई कि सिस्टमैटिक फेलियर है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो इसके बारे में सीजेआई साहब जानना चाहते हैं कि क्या कोई सिस्टमैटिक फेलियर हुआ है इसके अंदर। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा जो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया हम सबके लिए, इवन एनटीए के लिए भी और पिटिशनर्स के लिए भी, कि ये बताइए बाहर कहाँ कहाँ एग्जाम होते हैं इंडिया के बाहर, और वहाँ पेपर क्या डिजिटली जाता है या वहाँ हार्ड कॉपीज जाती है, और डिजिटली जाता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है हमारी, हम साइबर सिक्योरिटी लगा के पता करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं डिजिटल फॉर्मेट से पेपर लीक हुआ हो। पेपर लीक की टाइमिंग के अराउंड बहुत ज़्यादा उन्होंने कंसर्न दिखाया है कि पेपर लीक कब हुआ, एक रात पहले हुआ है या पेपर से कुछ घंटों पहले हुआ है। उन्होंने कहा अगर दो चार बच्चों को गया है तो फिर तो हम ऐसा एक्शन नहीं लेंगे कि रीनीट करा दें, हम उन बच्चों का रीनीट करा देते हैं। उन्होंने कहा अगर कोई प्रोसेस है जिससे आप ये पता लगा सके कितने बच्चों को पेपर लीक मिला है, पेटिशनर्स की बातें सुनी, डिटेल में मुद्दा सुना, एनटीए से बहुत सारे क्वेश्चंस किए, एक एक क्वेश्चन करके जानना चाह रहे थे वो डिटेल में क्या हुआ है। और देखा जाए तो भले ही सॉलिसिटर जनरल और एनटीए इस बात कह रहे थे कि पेपर लीक प्रूफ नहीं हुआ है, पर सीजेआई साहब ने बार बार ये बोला कि हम ये सारी चीजें दिखा रही है कि पेपर लीक तो हुआ है, अब इस बात को आप डिनाई मत करो, इट्स टाइम कि हम एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें। हम ये ना बोले कोई गलती ना हुई है, ऐसा बोलने से और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो हम एक्सेप्ट करें। डिनाइल मोड में ना रहे, ये आज उन्होंने बहुत क्लियर बोला कि आप सेल्फ डिनाइल में ना रहे, कम से कम आप एक्सेप्ट करें ऐसा हुआ है। पर अब उनको ये भी चिंता है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उसका एक्सटेंट क्या है, उसका फॉर्म क्या था, किस तरह से लीक हुआ है, कितने बच्चों तक पहुंचा था पेपर और उसकी टाइमिंग क्या है। इसके लिए उन्होंने देखा एनटीए से ये सवाल पूछा कि पेपर कौन बनाता है, पेपर छपने कहाँ जाता है, कब जाता है, कहाँ जाता है, उन्होंने कहा मत बताना वरना अगले साल भीड़ लग जाएगी, कब जाता है, वहां से वापस क्या दिल्ली आता है, फिर वहां से वो कैसे स्टेट स्टेट ट्रैवल करता है, कैसे बैंक में जाता है, कैसे सेंटर, यानी चेन ऑफ कस्टडी जो है पूरे पेपर की, वो जानना चाहते हैं ताकि उससे वो डिटरमाइन कर सके कि क्या वहां पे कहीं ब्रीच हुआ है, क्या कोई सिस्टमैटिक फेलियर है, जिसकी बातें काफी देर आज कोर्ट में हुई कि सिस्टमैटिक फेलियर है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो इसके बारे में सीजेआई साहब जानना चाहते हैं कि क्या कोई सिस्टमैटिक फेलियर हुआ है इसके अंदर। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा जो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया हम सबके लिए, इवन एनटीए के लिए भी और पिटिशनर्स के लिए भी, कि ये बताइए बाहर कहाँ कहाँ एग्जाम होते हैं इंडिया के बाहर, और वहाँ पेपर क्या डिजिटली जाता है या वहाँ हार्ड कॉपीज जाती है, और डिजिटली जाता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है हमारी, हम साइबर सिक्योरिटी लगा के पता करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं डिजिटल फॉर्मेट से पेपर लीक हुआ हो। पेपर लीक की टाइमिंग के अराउंड बहुत ज़्यादा उन्होंने कंसर्न दिखाया है कि पेपर लीक कब हुआ, एक रात पहले हुआ है या पेपर से कुछ घंटों पहले हुआ है। उन्होंने कहा अगर दो चार बच्चों को गया है तो फिर तो हम ऐसा एक्शन नहीं लेंगे कि रीनीट करा दें, हम उन बच्चों का रीनीट करा देते हैं। उन्होंने कहा अगर कोई प्रोसेस है जिससे आप ये पता लगा सके कितने बच्चों को पेपर लीक मिला है।